दोस्तों हमें अभी एयरपोर्ट पे और यहाँ से हमारी ट्रिप आज स्टार्ट होती है स्पेन की। स्पेन वही कंट्री जहाँ का एक गाना आपने जरूर सुना होगा, डेस्पासितो। समझ आपको बिल्कुल नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया था, शायद आपको भी नहीं आया होगा। डेस्पासितो वही सॉन्ग जो स्पेन से था। स्पेन का एक आइलैंड है अर्बिता, हमारी फ्लाइट वहाँ की है और वहाँ पर जाके हम करेंगे बहुत सारी मस्ती ओवर द वीकेंड। स्टे इन द ब्लॉग। सो होला स्पेन, सॉरी होला बोमन बम वाला होला नहीं, यहाँ पे स्पेन में स्पेनिश में हेलो को होला बोलते हैं। सो आई एम हेयर इन द स्पेन जस्ट नेक्स्ट टू दीज यॉट्स। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरे पीछे कुछ यॉट्स हैं और अभी हम जाने वाले हैं कुछ एक्टिविटीज़ के लिए इन यॉट्स में, पानी में। यहाँ पे प्लान था हमारा स्नॉर्कलिंग का, बट अभी संडे है और यहाँ पे विंड बहुत तेज है। जितनी भी यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ भी होता है, वो सब वेदर को देख के होता है। क्योंकि अगर वेदर ही ख़राब है तो इट विल बी वेरी डेंजरस कि वहाँ पे कुछ हो, क्योंकि कुछ भी वहाँ पे वाटर में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। टू अवॉइड दैट, जब तक वेदर नॉर्मल नहीं होगा हम कुछ आगे अपनी एक्टिविटीज आज नहीं कर सकते हैं। बट होप फॉर दी बेस्ट कि थोड़ी बहुत देर में वेदर सही हो जाए, और अगर वेदर यहाँ पे ख़राब होता भी है तो जब बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है और ठीक होने के बाद ख़राब भी हो जाता है। अपने इंडिया की तरह नहीं कि अगर आज बारिश हो रही है तो शाम तक बारिश होती रहेगी, काफ़ी टाइम सही भी रहता है वेदर, और अगर ख़राब होता है तो बहुत जल्दी वो 2-3 घंटे में सही हो जाता है। लेट्स सी जो भी होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पीछे का व्यू दिखाता हूँ यॉट्स का, इफ़ यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल व्यू, लेट मी गो देयर एंड शो यू द नेक्स्ट व्यू। सो दीज आर सम ब्यूटीफुल यॉट्स नेक्स्ट टू मी। गाइस हम यहाँ पे आए हैं बीच पे स्पेन में, और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बीच पे क्या होता है। बीच इज़ फॉर फन, फॉर एन्जॉयमेंट, फॉर रिफ्रेशमेंट, बट वॉट आई हैव गॉट हेयर, इफ यू कैन सी बिहाइंड मी, आश्रम, सनसेट आश्रम। भाई मतलब बीच पे इन्होंने आश्रम बना रखा है, हिंदी वर्ड आश्रम, मतलब इंडिया हर जगह फेमस है। अगर किसी को बीच पे मस्ती नहीं करनी, कोई यहाँ पे आके अगर भक्ति में होना चाहता आश्रम पे, तो जा सकता है यहाँ पे। मतलब इंडिया की चीज़ें हर जगह फेमस है यहाँ पे। इफ़ आई कैन शो यू हेयर बिहाइंड दीज थिंग्स, अभी हम और आगे चलते हैं, लेट्स सी वहाँ पे दूसरे व्यूज़। सो गाइज वी जस्ट डन अप विद दिस बीच। अभी इस बीच से अच्छी खासी आपने क्लिप्स देखी होंगी कैसे हमने इन्जॉय करा इस बीच में, एंड नाउ गोइंग टू एक्सप्लोर सम अदर बीच, को दूसरे बीच जाके देखते हैं कुछ और अगर वहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह मिलती हैं। बीच बहुत अच्छा था, आपने लोकेशन देख ली होगी, और गर्मी बहुत थी यहाँ पे। यहाँ पे जस्ट हमें दही मिली थी, कितने की, लगभग 5 यूरो की एक दही थी। हमने 2 दही ली थी, यानी 10 यूरो, 1 यूरो लगभग 90 रुपये का है। 900 रुपये की 2 दही थी हमारी है। और यहाँ पे इंडिया की तरह ऐसा नहीं कि हम जहाँ मर्जी फेंक दो खाए वहाँ वहीं पे ही मिट्टी में दबा दिया। हमारे इंडिया में क्या होता अगर हम ये खाते वहीं पे मिट्टी में दबा देते, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। दे आर वेरी गुड इन मेंटेनिंग हाइजीनिक और मेंटेनिंग द क्लीन, जो भी साफ सफाई है उसके लिए। सो ट्राइंग टू फाइंड सम बिन ऑन द वे, एंड लेट्स सी गो फॉर सम अदर बीच, और देखते हैं वहाँ पे दूसरी बीच पर अगर कुछ और अलग मिलता है तो। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे कॉकटेल मूवी का एक सॉन्ग है, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, उस सॉन्ग का शूटिंग यहीं पर ही हुआ था। दिस इज द लोकेशन स्पेन में, अगर आप गूगल पे भी जाकर चेक करोगे तो दीज वर द लोकेशन, यू कैन सी द व्यू, एकदम ब्लू एंड ग्रीन वाटर्स की वेव अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक दिस, हाउ ब्यूटीफुल इज इट। बीच में वो सर्फिंग करते हुए यहाँ पे इस तरह से इन द टाइड्स, सो गाइज हम यहाँ पे अभी स्पेन में हैं, अभी आप बीच होके आए थे और ये हमारी गाड़ी खड़ी है बीच पे। हमारे पास था आश्रम, हमने देखा था अगर आप बीच पे मस्ती नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लग रहा, देन आप आश्रम में जाके भक्ति कर सकते हो। बट व्हाट आई सी हेयर इज अ रेस्टोरेंट, आप इसका नाम मुझे बताओ क्या है, इट्स चम्मच छुरी या समथिंग एल्स, क्या है इसका नाम, क्या प्रोनाउंस करोगे आप। मतलब कहीं भी जाओ
यूरोप में आपको वैसे तो खाने की बहुत दिक्कत मिलने वाली है अगर आप स्पेशली वेजिटेरियन हो मेरी तरह, बट वी कैन हैव सम इंडियन रेस्टोरेंट्स एट एवरीवेयर। हमें नंदूज मिला था इससे पहले, एंड नाउ दिस चम्मच छुरी रेस्टोरेंट। मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ आई डोंट नो, अगर आपको लगता है गलत है तो इसका क्या सही प्रोनाउंसिएशन होगी मुझे एक बार कॉमेंट में जरूर बताओ। एंड हेयर वी हैव अवर कार, अभी हम यहाँ पे कुछ खा पी के आगे चलते हैं अपनी दूसरी बीच की तरफ, लेट्स सी सम अदर बीचेस। और अपनी सेल्फ पार्किंग के लिए वहाँ पे हम टाइमिंग कम कर रहे थे बट वो कम नहीं हो रहा था, और जब बढ़ाया तो बढ़ नहीं रहा था। लगभग एक घंटे के वहाँ पे 1.25 यूरो थे, लगभग 100-150 रुपये। एक घंटे के 100-150 रुपये आई गेस सही है, महंगे नहीं है कंट्री के हिसाब से, यूरोप के हिसाब से। यू कैन सी हमें इन यॉर्ड्स की साइड जाना है और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है और एक घंटे की पार्किंग के लिए हमने यहाँ पे 100 रुपये दिए हैं INR के हिसाब से। लेट्स सी यहाँ पे बाकी कैसे व्यूज रहते हैं। आज आए हैं दोबारा दूसरे बीच पे एक्सप्लोर करने, लेट्स सी। अभी आज हमारी 2-3 एक्टिविटीज़ भी बुकड हैं लंच में और इवनिंग में, अभी जा रहे हैं हम अपने बीच साइड पे। ये है हमारा यहाँ से व्यू बैक साइड पे और हम आए उन झाड़ियों के बीच में से। थोड़ा सा अब स्टेयर्स होते हैं यहाँ पे, क्या है कि अगर सामने बीच है तो पीछे यहाँ पे थोड़ा सा हिल्स एरिया होगा। पीछे आप देख सकते हो कैसा बंजर ज़मीन है, एंड दिस इज़ द व्यू वेयर वी आर गोइंग नाउ। अभी हमें यहाँ पे नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे बीच है। लेट मी शो यू दिस थिंग्स, अमेजिंग व्यू गाइस, अमेजिंग लवली। शायद आपको यहाँ से देख के अंदाजा नहीं लग पाएगा बट दिस व्यू इज इनसेन, अमेजिंग व्यू गाइस। इस व्यू का मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, शायद आपको फोटो में देख के इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा बट लवली व्यू। लेट्स सी अभी आगे आज के दिन में क्या क्या होता है, सब कुछ शेयर करेंगे ब्लॉग में, आगे बने रहिए। सो गाइस जस्ट अभी हम स्नोर्कलिंग करके आ रहे हैं
पैडलिंग करके आ रहे हैं और कयाकी करके आ रहे हैं. इट वॉज लॉट्स ऑफ फन इन दिस शेप इन दिस yacht and we have drinks here and if I can show you this view in the ocean in the middle of the ocean guys lovely. Snorkeling ka pani ke andar ki activities pani ke andar ki sea life dekhna ka experience lagta hai. वहाँ पे कोई यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क नहीं था, कोई यहाँ पे सिलेंडर नहीं था एंड वी वर इन द वाटर फॉर मोर देन मिनट्स. मतलब हम अपनी सांस से कुछ सेकंड तक रोक सकते हैं बट वहाँ पे हम स्नॉर्कलिंग में मिनटों तक अंदर पानी के अंदर लगभग 60-70 फीट पानी गहरा था. वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. आई शो यू द वीडियोज गाइस वहाँ की. अभी फिलहाल वी हैव सम पार्टीज हियर एंड देन वील हैव टू गो फॉर सम अदर बीचेस. सो गाइज हम अपनी आज की ट्रिप यहाँ पे ख़त्म करके इस आइलैंड से जा रहे हैं दूसरी सिटी बार्सिलोना. स्पेन की एक फेमस कंट्री है बार्सिलोना. आप अगर कहीं रिसर्च करोगे आपको मिल जाएगा. एंड यू वांट टू सी कि हम कैसे जा रहे हैं. ओके लेट मी शो यू कि हम कैसे जा रहे हैं आज. बाय देश क्रूज बाय देश शिप. ये शिप हमें यहाँ से आइलैंड से स्पेन की तरफ लेके जाएगा. लगभग आठ घंटे की जर्नी होगी और पूरी रात हम इस क्रूज़ में शिप में रहने वाले हैं. इसका ऊपर तक का व्यू हम आपको दिखाएंगे. अभी आज का पूरा दिन हमने वाटर एक्टिविटीज़ करी, पैडलिंग करी, कयाकिंग करी, स्नॉर्कलिंग करी. बहुत मज़ा आया उसमें, बहुत कुछ हमने उसमें इंजॉय करा. इट वाज लवली टू सी द सी लाइफ की पानी के नीचे कैसा होता है. एल्की पानी के नीचे की घास से हम कह सकते हैं या फिर सी लाइफ में छोटी छोटी मछलियाँ बहुत कुछ हमने देखा. एंड इस तरह से हम शिप में अंदर जा रहे हैं. यू कैन सी हाउ बिग इज़ इट. अगर मैं आपको साइड से दिखाता हूँ हाउ बिग दिस शिप इज और हम इससे यहाँ पे अभी अंदर जाएंगे. सो गाइज ये हमारा क्रूज का दूसरा व्यू. आप देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज. These beaches, the ships and the mountains and the hills. और यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ लोड करा के जाते हैं इस शिप में. ये हमारा शिप बस अभी रेडी है, स्टार्ट होने वाला है क्रूज़. और इसमें मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ कि क्रूज़ एक्चुअली में अंदर से कैसा है. ये पानी है, लाइफ बोट है एंड नाउ वी आर गोइंग इन द क्रूज़. लेट्स सी इनसाइड. दीज आर द रूम्स यू कैन सी. लवली. इट्स अ लग्जरी क्रूज वेयर वी आर. हम इस क्रूज से आज जाने वाले हैं आज रात को बार्सिलोना एंड कल हमारी गुड मॉर्निंग होएगी बार्सिलोना के अंदर. मस्टर्ड स्टेशन हेयर वी हैव सम अदर रूम्स एंड वी हैव टू चेक इट आउट. लाइक यहाँ पे हर जगह गैलरी पे रूम्स ही रूम्स हैं एंड हमें यहाँ से भी डाउन स्टेयर जाना है टू चेक इट आउट आवर प्लेस. हम नीचे आते हैं एंड नीचे हमें मिलता है फिर यहाँ पे इसके रेस्टोरेंट और अपना सिटिंग एरिया. ये हम एक फ्लोर डाउन आए हैं. इस पूरे क्रूज में आई गेस 6 से 7 फ्लोर्स हैं और हम आ गए हैं अपने क्रूज की सिटिंग एरिया के अंदर. हम इस सिटिंग एरिया में हैं. यहाँ पे यू कैन सी दीज लग्जरी सीट्स आर हेयर एंड यहाँ पे बैठ के हम अपना रिलैक्स कर सकते हैं. दीज लग्जरी सोफ़ा एंड ऑल. और इसके आगे हम चलते हैं यहाँ पे तो फिर हमें मिलता है अच्छा सा ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट एंड बार. गुड मॉर्निंग फ्रॉम बार्सिलोना. सो आफ्टर स्पेंडिंग 2 to 3 डेज इन आइलैंड्स में अच्छा खासा पानी में एक्टिविटीज़ करने के बाद आज हम आए यहाँ पे स्पेन की दूसरी सिटी बार्सिलोना में. स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है बट कुछ लोग उसे
मद्रिद बोलते हैं, बट यहाँ पे अगर हम स्पेनिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये लोग उसे मैड्रिड प्रोनाउंस करते हैं। और वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, बट हम बार्सिलोना आए हैं। बार्सिलोना में काफ़ी अच्छी जगह हैं, काफ़ी मोनूमेंट्स हैं इनके, वो हम एक्सप्लोर करेंगे अब अगले दो दिन। आपको विल ट्राई टू शो यू मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स इन दी ब्लॉग्स आगे, आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आई हैव माय जैकेट हियर क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी एकदम धूप निकलती है, और अगर बारिश होती है तो हवा बहुत तेज चलती है यहाँ पे, उसमें ठंड बहुत होती है। सो इसलिए यहाँ पे अगर बिना जैकेट के जा रहे हो तो मतलब कुल्फी जम जाएगी, और अगर ऐसी हवा चली तो, और अगर नहीं चली तो जैकेट ऐसी फालतू लगेगी कि क्या हम इसे ज़बरदस्ती खींच कर ले जा रहे हैं। बट यस, यहाँ पे स्ट्रीट्स काफ़ी अच्छी हैं। इफ़ आई कैन शो यू दीज बस, ये रोड्स पे चल रही हैं और ये बसेस हैं, ट्रेन नहीं है ये। वैसे एक ट्राम्स होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, ट्रेन्स पे चलती हैं, दीज आर नॉट ट्राम्स, यहाँ के लोकल बसेस हैं इस तरह की, काफ़ी लंबी। अभी हम चलते हैं और स्ट्रीट्स पे पहले देखते हैं थोड़ा बहुत कुछ वेज में। वेज के लिए हमारे पास है तो मैकडी है, या यहाँ पे मैकडी की तरह फाइव गाइज वगैरह बर्गर किंग होते हैं, वहीं पे बेस्ट होता है क्योंकि उसके अलावा कहीं और हम भरोसा नहीं कर सकते कहाँ पे क्या होगा। बाकी या फिर इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ फाइनली हमारा स्पेन का ट्रिप होता है अब यहाँ पे एंड। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट अपने फ्लाइट्स के लिए। ओवरऑल इट वाज ग्रेट, अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले बीचेस एक्सप्लोर करना एंड देन सिटी टूर बार्सिलोना में, काफ़ी कुछ हमने आज चर्च देखे इनके, दो तीन अच्छे अच्छे इनकी जगह हैं, सगराडा फ्लेमिंगो है और एक पार्क है, और एल्बॉन स्ट्रीट्स हैं और लोकल स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। ओवरऑल अगर मैं इसकी प्लस एंड माइनस की बात बताता हूँ अगर मैं इस ट्रिप की, तो सबसे अच्छी बात यह है कि स्पेन की स्ट्रीट्स बहुत अच्छी हैं एज लाइक यूरोपियन कंट्री, यूरोप की या फिर यूके की किसी भी कंट्री में चले जाओ स्ट्रीट्स बहुत अच्छी होती हैं। जो इनके आर्किटेक्चर हैं, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं बट स्टिल अभी भी हैं, 100 सालों से ऐसी किसी सेम बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और ये मेरे पीछे बस के भी आप देख सकते हो, इट्स अ बस, डबल बस है ये, पूरी की पूरी स्ट्रीट्स अच्छी बनी हुई हैं, व्यू अच्छा है, बट मौसम ठीक है, बट ये स्वेटिंग तो हो रही थी। और अगर हम बुरी चीज़ की बात करते हैं स्पेन के बारे में जो मुझे अच्छी नहीं लगी, सो डेट इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ओवरऑल अपने इंडिया से तो मच बेटर है, बट कहीं ना कहीं ये लोग इसे और बेटर कर सकते थे। बस थोड़ा सा डिले होती है, लाइक हमारे यहाँ पे ट्रेन्स डिले होती हैं, यहाँ पे बस थोड़ी बहुत डिले होती है, रेस्ट एवरीथिंग वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज ग्रेट, बीचेज अच्छे थे, बार्सिलोना में सिटी काफ़ी अच्छी थी, बट इस बार्सिलोना में यहाँ पे आई वॉज हियरिंग फ्रॉम एवरीबडी, सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे पिक पॉकेटिंग बहुत होती है, पिक पॉकेटिंग बहुत होती है मतलब जेब कटना, हमारे इंडिया में पिक पॉकेटिंग मतलब जेब कटना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, टच वुड सब कुछ अच्छा था, अंत भला तो सब भला, ओवरऑल ट्रिप अच्छी थी। स्पेन दोबारा तो आने का नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, बस बीचेस हैं जो अच्छे हैं, बीचेस विल ट्राई सम अदर कंट्रीज़ में आने वाले टाइम में कि कौन से बीचेस और अच्छे हैं, कि ऐसे कहीं हैं ऐसे नहीं हैं। ओवरऑल गाइस अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो, अच्छे से कर सकते हो, तो प्रॉफिट है, बहुत है। आप खाली एक स्पेन ने पूरा यूरोप पूरी दुनिया घूम सकते हो, बस कंडीशन एक है, चीज़ों को सही से सीख के करो, हार मत मानो। स्टार्टिंग में जो भी कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है, स्टार्टिंग के 1-2 साल प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन ही मत करो, उस 2 साल में जो लॉस होता है उस लॉस को कंसिडर करो कि आपने वो फीस दी है मार्केट को सीखने की, मार्केट को समझने की, मार्केट कैसे काम करता है। हम आते हैं 1 दिन में 2 दिन में पैसा बनाने की सोचते हैं, वो कभी नहीं होता मार्केट में। अगर ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज़ मत आओ, ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। अगर 2 साल आप, अगर 2 साल पैसा गंवाने को तैयार हो, 2 साल आप पेशेंस है आपका, 2 साल आप नेगेटिविटी सुनने को तैयार हो, अगर आप सब कुछ जितनी गंदी से गंदी वर्स्ट चीज़ें आप फेस कर सकते हो अगर उसके लिए रेडी हो, देन ट्रेडिंग इज़ फॉर यू, अदरवाइज स्किप कर लो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से अलग और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं, उन्हें देखो।
ट्रेडिंग में 2 साल अगर आपने दे दिए, यू विल सेट फॉर योर लाइफ। आप पैसा कमा के खाली स्पेन या एक कंट्री नहीं, आप दुनिया घूम सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप हमने स्ट्रीट्स पे आ गए, यहाँ पे मेरे पीछे कुछ अच्छे खासे स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे। तो ट्रेडिंग में पैसा है, बहुत है। एंड अभी इस साल क्रिप्टो मार्केट में बहुत पैसा आना है। क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सीखना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे ETF अप्रूव हो चुके हैं, बिटकॉइन का, इथेरियम का, सोलाना का। सोलाना के तीनों ETF, ये मतलब तीनों करेंसीज के ETF अप्रूव हो गए। और आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी अगर बिटकॉइन नहीं उठेगा, एंड यू आर ऑन द राइट, ऑन द रॉन्ग ट्रैक। आपको अभी नहीं पता कि आप एग्जैक्टली क्या मिस कर रहे हो। एंड पैसा बनता है, बस आपको बनाना आना चाहिए। ट्रेडिंग में सही चीज़ें सीख के करो, पैसा बनेगा। काफ़ी सारे लोग शायद ये पूछ सकते हैं, सर पैसा बट बनेगा कैसे, मेरे पास तो पैसा नहीं, मेरे पास सेविंग नहीं है। दोस्त, पैसा सबके पास है। अभी अगर आपको जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना हो, आप जट खोलोगे, चले जाओगे, 100-200-500 रुपये खर्च करोगे। वीकेंड है, मूवी में जाओगे, 500-1000 रुपये खर्च हो जाएंगे। फ्रेंड्स के साथ आउटिंग में जाना है, 1500 रुपये खर्च हो जाएंगे। इन सब छोटे छोटे खर्चों को सेव करो, इन्हें कम करो। देखो आप फालतू फिजूल खर्च कहाँ कर रहे हो, इन्हें छोड़ो, थोड़ा जोड़ के ट्रेडिंग में लगाओ। ट्रेडिंग में पैसा नहीं, बहुत पैसा, दबा के ट्रेडिंग करो, अच्छे से करो, सही तरीके से सीख के करो। पैसा नहीं, बहुत पैसा है ट्रेडिंग से। सपने पूरे होते हैं, लोगों ने करे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। बस फोकस करके सीखो। सेल्स सीख सकते हो आप, बट उसमें टाइम लगेगा। सो बेटर है अगर आपको जल्दी सीखना है, टाइम कम करना है, प्रॉफिट जल्दी चाहिए, अच्छे कंसिस्टेंट प्रॉफिट, तो किसी से सीख के करो। नहीं कहता मैं कि मुझसे सीखो, किससे सीखो, किसी से भी सीखो जिससे आप चाहते हो, वरना आप खुद भी सीख सकते हो, वो भी काम करेगा। बट वहाँ पे आपको लगेगा टाइम ज़्यादा, क्योंकि आपको नहीं पता होगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आप गलतियाँ करोगे, और जो गलतियाँ हमने कर ली, हम वो गलतियाँ आपको बताएंगे, भाई गलती आप मत करो। तो अगर आप वो गलती को बचोगे, उनसे बचोगे, तो आप अपना काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हो। सो चॉइस इज योर्स, बट यस, ट्रेडिंग में पैसा है। स्टे कंसिस्टेंट, कंटिन्यू योर ट्रेडिंग विद पॉजिटिव माइंडसेट। यस, ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स होंगे।